बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। हर किस्म दी हमदो सना तारीफात तस्बीहात अल्लाह सुबहानहु व तआला दी ज़ाते गिरामी ते दरूद ओ सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया शफीउल मुसलिबीन रहमतुल लिल आलमीन सारी कनादे रहबर रहनमा पेशवा मुक्तदा हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह पाक दा फजल है कि अल्लाह पाक ने जुमातुल मुबारक वाले दिन अपने घर दे अंदर आना नसीब फरमाया। अपना ध्यान मेरे वर रखना बड़े अफसोस की बात है, दुख हो रहा है। अगर जड़े आ तुसी आए हो तुहानू पहली सफ की कदर होए उनका अजरों सवाब की है, पहलों आने वाले पीछे बैठे हों तो अफसोस की बात कह सकना वा। हदीस पाक अंदर मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जड़ा सफ पहली सफ तो पीछे रहिंदा है यकीनन वह दूर ही हुंदा जांदा है। पहली सफ ते जगह खाली होए तो बंदा पीछे बैठे फिर उन्हें उन्नी कोई समझ होएगी। अज का जुमा सारा तुहाडे ते ही होएगा, हौसले नाल समात फरमाना। जुमातुल मुबारक का दिन अजमत दे लिहाज नाल, मुकाम दे लिहाज नाल, शान दे लिहाज नाल सारे दिनों तो मुकाम रखदा है, अजमत रखदा है, फजीलत रखदा है। अल्लाह पाक सानू सारिआं नू इंदियां बरकात इस जुमे दियां अजमतां समझण दियां बरकात हासिल करन दियां तौफीक नसीब फरमाए। जुमातुल मुबारक अल्लाह पाक ने आखिरी पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी उम्मत उते बेशुमार इनामात फरमाए ने। आप दी वजह तो तुहाडे मेरे हिस्से इतना कुछ आ गया कि असी शुक्र अदा करिए ते बोलो कर सकदे। ये सिर्फ सानू उम्मते मुहम्मदिया दा शर्फ हासिल होने की वजह तो सब कुछ मिले है। यहूदिया नू हफ्ते वाला दिन मिलिया ते ईसाइयां नू बोलो इतवार वाला दिन मिलिया ते मुसलमाना नू बोलो। हाँ सारे ध्यान मेरे वर रखना, मैं पहले तुहाडे अगे अर्ज किया कि सारा जुमा अज तुहाडे ते ही होना है। अल्लाह सानू अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। कोई घट ही है मस्जिदों के जिंदे फजाइले जुमा के उत्ते जुमा होए, लेकिन मैं ये सिर्फ अपने अल्लाह की रहमत ही समझना। दुआए फरमाओ अल्लाह किताब सुन्नत की हर बात उत्ते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। सानू पता होए सी जुमा अदा कर रहे हैं किस तरह अदा करना है। पहलो मुहब्बत नाल आखना है, अपने गोडे छोड़ के बहना, अपने हाथ दियाँ उंगलियाँ उंगलियों में दाखिल करना उंजी ममनू है। वुज़ू किया हो दाखिल नहीं करनिया चाहिए, टेक लाने तो भी बचना चाहिए। अल्लाह पाक जड़े बुजुर्ग कुर्सियां ते बैठे ने अल्लाह पाक इन्हों हिम्मत ताकत अता फरमाए
अमरे मजबूरी ते हो सकता है। बंदा जवानी दे आलम दे अंदर होए, गफलत नाल जुमा पढ़े, सुस्ती नाल जुमा पढ़े, टाइम पास करने वास्ते जुमा पढ़े, उन्हें की अजरों सवाब हासिल करना है। जरा बात सारिया इंशाल्लाह किताब सुन्नत दी रोशनी अंदर बयान करने की कोशिश करांगा। क्यों? दीन जड़ा हक हुंदा ना, कड़वा जरूर हुंदा, अगर अमल कर लीए तो फायदा भी बोलो जरूर हुंदा, फिर बोला फायदा भी जरूर हुंदा। अल्लाह सानू नेक आमाल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा सा, हफ्ता किन्ना नू मिलिया? यहूदियां नू, इतवार ईसाइयां नू, ते जुमातुल मुबारक जिथों दिनां दा आगाज़ हुंदा, दिनां दा आगाज़ हुंदा ओवे जुमातुल मुबारक। तुहाडे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नू मेरे आका मुखातिब ने हदीस पाक अंदर मौजूद है। आका फरमान लगे, सुलेमान जुमे की कदरों फजीलत का पता है? तो फरमान लगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते ने। आका ने दोबारा पूछया, हज़रत सुलेमान ने यह ही जवाब दिता है। मेरे आका ने तीसरी बार पूछया तो आका अलैहि सलातो व सलाम नू हज़रत सुलेमान यह जवाब देते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते ने। तो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कि जुमे वाले दिन अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहि सलातो व सलाम नू पैदा फरमाया। तुहानू तुहाडे बाप नू यानी इंसानां नू किस दिन पैदा फरमाया? बोलो सारे। मट्टी जड़ी है, मट्टी ये अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन पैदा फरमाई है। पहाड़ अल्लाह पाक ने इतवार वाले दिन पैदा फरमाए ने। दरहत जड़े ने अल्लाह पाक ने सोमवार वाले दिन पैदा फरमाए ने। ना पसंदीदा जिन्हिया भी चीज़ा ने अल्लाह पाक ने मंगल वाले दिन पैदा फरमाइया ने। रोशनी हदायत अल्लाह पाक ने बुध वाले दिन पैदा फरमाइया ने। कह दियो सुभान अल्लाह, परेशान हो गए हो, सवाब लो आ कहो सुभान अल्लाह। और जुमे रात वाले दिन अल्लाह पाक ने जानवरों नू पैदा फरमाया। जदों हज़रत इंसान की वारी आई तो अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस सलात व सलाम नू असर और रात की तरीकी के दरम्यान दे विच अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस सलात व सलाम नू पैदा फरमाया। और जदों लोग जन्नत में दाखिल होंगे वह केड़ा दिन होएगा? जुमा पढ़ने वालों बोलो केड़ा दिन होएगा? तो जड़े जुमा पढ़ते ही नहीं, जुमे वाल ध्यान करते ही नहीं, फिर इतने हिसाब ला लो हाँ जन्नती लोग किन्ने कु होंगे? जन्नत में किदन दाखला होएगा? फिर बोलो। ये मेरा आर्डर जरा खतीब का मनना चाहिए, क्योंकि खतीब भुला भी सकता है, पूछ भी सकता है। और नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी सुनते मुबारक है, खतीब अपने मिंबर से उतर के भी मसला समझा सकता है, मिंबर से वापस भी आ सकता है। अपने इमाम खतीब दी दिल में मुहब्बत रखोगे, यकीनन अल्लाह पाक इंदा भी अजरों सवाब अता फरमाएगा। अपने इमाम खतीब दी इज्जत करना, हदीस पाक अंदर मौजूद है, जड़े मिंबर दे ज़्यादा करीब बैंदे ने अपने इमाम खतीब दे ज़्यादा करीब हुंदे ने अल्लाह क़यामत वाले दिन उन्होंने अपनी कराबत नसीब फरमा देवेगा। आखो इंशाल्लाह। आइए हुण सुनना, तो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम जुमातुल मुबारक दी मैं बात कर रहा। सैयदना आदम अलैहि सलातो व सलाम नू पैदा फरमाया ते केड़ा दिन है? जुमे दा दिन। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने आदम अलैहि सलातो व सलाम नू जन्नत विचों निकालिया ते दिन केड़ा है? बोलो जुमातुल मुबारक दा। अल्लाह पाक ने तौबा नू कबूल फरमाया, जुमातुल मुबारक। नबी आदम अलैहि सलातो व सलाम दी वफात हुई जुमे वाले दिन, और कयामत आएगी ते केड़े दिन आएगी? जिंदे तो असी बेखबर हाँ। सुबह सादक तलू हुंदी है, सूरज दे तलू होन तक इंसाना ते जिन्ना तो इलावा जिन्या भी जानदार चीज़ा ने घबराहट दे अंदर परेशानी अंदर मुबतला हुंदियां ने, किरे कयामत दा दिन ना हो जाए। जिस दिन कयामत आनी है दिन केड़ा होएगा?
अल्लाह तुहानू मैनू क़यामत दियाँ सख्तियाँ कोलों महफूज फरमाए। लो मैं कुरान तो आगाज़ करना, जुमातुल मुबारक दा तुहाडे वास्ते अपने वास्ते सआदत समझना। जदों जुमे की आजान हो जाए, बात समात फरमाना, आजान हो जाए उस तो बाद कारोबार करना हराम है। जैद बोलो, अज क्यों परेशानियां ने? इस्लाम तो दूर होने वाला कभी भी राहत पा सकता? अब वेखो ना, करोना की वबा जरूर है, अगर अजाब आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए तो किधर आना चाहिए? लोग आंदे जी अल्लाह तो दूर नठो, किथे चले जाओगे? गुनाह लोग छड़दे नहीं, यह करोना दूर नहीं। मेरे शहर के अंदर एक सरकार लेटे ने, अल्लाह पाक मस्जिदां नूं आबाद फरमाए ते दरबारां नूं वीरान फरमाए। दरबार इस वास्ते ते बनाना ही इस गैर इस्लामी गैर शरी तरीका है। इशा तो बाद बंदा सूरा सजदा की तिलावत करे, सूरा मुल्क की तिलावत करे, तो जिन्ना रात हक कलंदर हल कलंदर करके हक कलंदर के नारे लगा के सड़कों उत्ते शोर मचाना है, रब का अजाब किवें दूर होएगा? रियासत मदीना के दावेदारा इस बात वल तवज्जो देनी चाहिए कि जड़े रात के अयाम ने शराब नोशी से पाबंदी लगाई जाए, जनाबाजी के अड्डे बंद किए जान, बेहयाई के अड्डे बंद किए जान, हुक्मराना समेत मसाजद का रुख किया जाए, इंशाल्लाह अजाब कौन दूर करेगा? ऐसे करोना का हल इन्हें की तलाश किया है किताब सुन्नत की रोशनी के अंदर। जदों किसी कौम से अजाब आता सी, तबाही बर्बादी गुनाह की वजह तो आता सी, ते रहमतां वसदियां ने ते नेकी दी वजह तो आदियां ने। अल्लाह सानू नेकी दी तौफीक नसीब फरमाए। बात बड़ी जरूरी समझण वाली है, जदों इबादत वल आओगे, किधर आओगे? इबादत वल आओगे, हिफाजत कौन करेगा? हिफाजत तुहाडी अल्लाह करेगा। उन्हां कहिंदी हिफाजत करो तो इबादत है, मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं, इबादत करो तो हिफाजत कौन करदा है? तुहाडे सारयां दी अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह के घर विच आउण वालो, लो कुरान का फैसला समात फरमाना, जाग के बैठना, गोडे छोड़ के बैठना, मुकम्मल इनहिमाक पूरी तवज्जो दे नाल अल्लाह पाक दा कुरान समात फरमाना। और मेरी मेहनत कीती हुई जड़े हीरे फुल मोती जवाहरात तुहाडे वास्ते लेके आया, जाया ना करना, अपने झोलियां में समेट के ले जाना। और दुआए फरमाना, अल्लाह कयामत वाले दिन तुहानू ते मैनू अपने अरहिदा साया भी नसीब फरमाए, हौदे कौसर दा पानी भी नसीब फरमाए। अल्लाह फरमांदे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया ऐलान फरमा दियो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमुअति फास्अउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तर्जमा सुन लो तो लहलहा जाना, है ईमान वाले जदों निदा होए, अजान होए लिस्सलात नमाज वास्ते, जुमे वास्ते, मियाँ उमिल जुमुआती फसाओ, दौड़ पवो, आओ बावकार तरीके न लाओ ते किधर आओ? फसाओ इला जिक्रिल्ला, अल्लाह दे जिक्र वल आ जाओ। है खरीदो फरोहत वाले कम, कारोबार ठप कर दे, बंद कर दियो, ये निदा सुन के फसाओ इला जिक्र इलाही वज़रुल बही ज़ालिकुम खैरुल लकुम
ज़ालिकुम खैरुल्लकुम एची तुआडे वास्ते बेहतर है। ओ तुआडे कारोबार नालो अल्लाह दा जिक्र करना बेहतर है, नमाज पढ़ना बेहतर है। जुमे में तीन गल्लां हुंदियां ने, एक अल्लाह दा जिक्र हुंदा है, एक नमाज हुंदी है, एक बंदा अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है। आइए सुनना ते अनल जुमातुल मुबारक दी गल कर लगा। तुआडे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे दी फर्जियत दा ऐलान मक्के विच हो चुके है, लेकिन हालात इस कदर जड़े ने संगीन ने, मेरे आका ने सब तो पहला जड़ा जुमा पढ़ाया कुबा ते मस्जिद मदीने दरमियान जगह है बनी सालम बिन औफ दी रहिशगाह दे उत्ते मेरे आका ने जुमा पढ़ाया। मेरे आका हले मक्के तो रुखसत नहीं होए, मदीने दे अंदर अनसार ते मुकीम सहाबा ने जुमे दा इहतमाम फरमाया। और सब तो पहला असद बिन जुरारा रसी अल्लाह ताला अन्हो ने जुमातुल मुबारक दा खुतबा इरशाद फरमाया। मदीने दी बात कर रहे हैं और 40 सहाबा ने मिलके जुमातुल मुबारक अदा फरमाया। हजरत काब बिन मालिक रसी अल्लाह ताला अन्हो जदो इन्हा दी अखां दी बिनाई चली गई, इन्हा दा बेटा अब्दुल रहमान जदो जुमे दी अजान हुंदी सी बाजू पकड़ के जुमे वल ले जांदे ते असद बिन जुरारा वास्ते काब बिन मालिक दुआ कीता करदे, अल्लाह उन्हां ते रहमत भी फरमा ते मगफरत भी फरमा। आए अब्दुल रहमान अपने बाप नूं पुछदे ने, अब्बा जी तुसी हर वक्त असद बिन जुरारा वास्ते जदो अजान हुंदी है जरूर दुआ करदे हो? ते हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमान लगे, हाँ हाँ, जिन्हें सब तो पहले जुमे का आगाज और एहतमाम किया सी वो असद बिन जुरार है, जड़ी जुमे का दिन ऐसा मुकद्दस है जिन्हों जुमे नाल प्यार होए। क्यों? ये जुमे के दिन अल्लाह दियां रहमतां वसदियां ने, गुनाहों की बख्शिश दा अल्लाह पाक तुहानूं मौका नसीब फरमांदे ने। ऐ जुमा पढ़न नाल तुहाडे गुनाह माफ हुंदे ने, बरकत नसीब हुंदियां ने और अल्लाह का शुक्र अदा करन दा मौका मिलदा है। असी अल्लाह का शुक्रिया क्यों अदा न करिए? अल्लाह ने सानू इंसान बनाया, आखो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने जानवर नहीं बनाया, पत्थर नहीं बनाया, मिट्टी नहीं बनाई, अल्लाह पाक ने ना पसंदीदा चीज नहीं बनाई। वाला कद खलक नल इंसाना फी अहसानी तकवीम, आखो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इंसान बनाया है और इंसान बनाने तो बाद अल्लाह बाग ने तुहानू मैनू मुसलमान भी मोमन भी बनाया। सुबहान अल्लाह। जुमा का माना हुंदा है मुसलमाना दे जमा होन दा दिन। सुबहान अल्लाह। ये मुसलमान जमा हुंदे ने हुन सुन्ना ते आन लल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگلی آیات وال غور فرمانا، اے بہتر کنا واسطے نے جڑے سمجھ دے نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندے نے جدو جمعہ پڑھ لو، جمعہ دی نماز ادا کر لو، اے زمین تے پھیل جاؤ، اللہ پاک دا فضل تلاش کرو۔ مکمل چھٹی کرن دی ضرورت نہیں، جمعہ ادا کرن تو بعد تسی کاروبار کر سکدے ہو، اپنا رزق تلاش کر سکدے ہو۔ اور اللہ پاک نو نال کثرت نال یاد کرو، اللہ پاک دا ذکر کرو، تسی فلاں پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سننا، جمعہ المبارک دا دن سارے دنوں دا سردار کیوں ہے؟
जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहनू ईद उल अजहा नालो भी अल्लाह पाक दे नबी ने फरमाया अफजल देने ईद उल फितर नालों भी ये अफजल देने। सुबहान अल्लाह ये जुमे दे अंदर हाय जुमे वाले दिन ऐसी घड़ी आउंदी है इधरों बंदा दुआ करदे उधर अल्लाह कबूल फरमा लेंदे ने। सुबहान अल्लाह हुण मुहद्दिसीन मुफसरीन असहाबा ते मुख्तलिफ अकवाल ने बात कहिंदे ने जदों मिंबर ते खतीब बैंदा है उंदे उतर तक ओह घड़ी आउंदी है लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रसी अल्लाह तआला नो यहूदिया दे बहुत बड़े आलिम सन अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम दी दौलत नाल मालामाल फरमा के सोने पैगंबर दा गुलाम बना दिता है। सुबहान अल्लाह ये बैठे ने ते नबी पाक नूं पुछ रहे ने सोने महबूबा जुमे अंदर एक घड़ी ऐसी आउंदी है जड़ी घड़ी दुआ बंदा करद अल्लाह कबूल फरमा लेंदे ने ये तुरात अंदर भी गल मौजूद है। सुबहान अल्लाह मेरे आका ने वजाहत फरमाई हाँ अब्दुल्ला बिन सलाम वो नमाज दा टाइम है ते आखरी कड़ी है असर तो बाद मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम नू हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमांदे ने सोहणिया महबूबा उदो ते नमाज दा टाइम नहीं हुंदा मेरे आका फरमांदे ने जदो बंदा नमाज पढ़ के अपनी जगह ते बैठा रहिंदा है जिन्ना वक्त बैठा रहिंदा उंदा नमाज विच शामिल हुंदा है। सुबहान अल्लाह वो बंदा दुआ करदे अल्लाह बा कबूल फरमा जुमे दे दिन दी बात कर रहे हैं फजीलत बयान कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने नबी पाक नूं फरमाया ठीक है बाद विच हजरत उबई बिन काब और हजरत अबू हुरैरा दी आपस अंदर तकरार हो रही है उन्हें भी आख्या वो घड़ी आखिरी घड़ी है जदों दुआ की कबूलीयत होंदी है ते हजरत अबू हुरैरा दी अब्दुल्ला बिन सलाम नाल मुलाकात होंदी है आंदे ने मैं नबी पाक कोलों सुने उस सहाबा दा दीन इस्लाम नाल ताल्लुक देखो आपस दे अंदर वो कौन अबू हुरैरा ने रसी अल्लाह तआला नो मेरे आका दी यूनिवर्सिटी दे शेहुल हदीस मेरे आका दे प्यारे सहाबी कई हदीसां दे हाफिज अबू हुरैरा रसी अल्लाह तआला नो अब्दुल्ला बिन हाय सलाम नाल मुलाकात हुई इसे बाद दी बास हुई फरमान लगे मैं नबी पाक नू खुद पुछे आका फरमांदे ने नमाज दी ते आखरी घड़ी हुंदी है। सुबहान अल्लाह ये जुमातुल मुबारक नू एजाज हासिल है आइए हुण सुनना ते आनल नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया ओ जुमे वाले दिन जड़ा बंदा अपने घर विचों तैयारी करदा है अपने सारे काम समेट लैंदा है अपना आप जुमे वास्ते वक्फ कर देंदा है ओ गुसल करदा गुसल करदा है अपने जिस्म दी सफाई करदा है अपनी ताकत दे मुताबिक लिबास पांदा है और अपनी ताकत दे मुताबिक खुशबू लगांदा है और पैदल टुर पैंदा है पैदल जिन्ना दूर आया सवाब ज्यादा मिलेगा ये मिसवाक भी करदा सुबहान अल्लाह ये मिसवाक भी करदा लिबास भी नया पहनदा ये खुशबू भी लगांदा गुसल भी करदा ये जिवें जिवें कदम उठांदा जांदा है एक कदम दे बदले अल्लाह साल दे रोजे रखांदा सवाब अता करदे जांदे ने। माहे सयाम गुजरे है जिन्ना रोजे रखे ने मुबारक होए और बाद विचों जिन्ना छे शव्वाल दे रोजे रखे ने मुबारक होए साडे वर्गे कमी वाले भी बंदे हैं आइए सुनना ते अनल अल्लाह पाक अमल थोड़ा क्यों ना होए होए किताब सुनने दे मुताबिक इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुहाडे गुनाह भी मुआफ कर देवेगा तुहानू बरकत भी अता फरमा देवेगा जिन्हों उम्मीद है आखे इंशाल्लाह। आइए सुनना जुमातुल मुबारक पढ़ने वाला जदो अपने घर विचों निकलदा है मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन किस्म के लोग ने तीन किस्म के जुमे में दाखिल होने वाले अपने अपने नसीबे की बात है एक आया जुमा पढ़ने वास्ते जुमा भी पढ़दा है नाल बोलनों भी नहीं हटदा इधर उधर दी गल्लां तो भी नहीं मना हुंदा इधर उधर चीज़ों के ध्याने लगा रहिंदा है कभी उन्हों बुला लिया कभी उन्हों उन्दा सवाब उन्दी किस्मत विच ना जाया हो गया उन्दा सवाब ही हदीस की गल सुना रहे हैं जुमा पढ़ना है तो तवज्जो नाल पढ़ना है मुहब्बत नाल पढ़ना है दिल लगी नाल पढ़ना है वह बंदे का नसीब उन्दे नाल है
किसी नूं ये भी नहीं कहना चाहिए भी इतों पिछे हट जा, इतने मैं नमाज पढ़नी है। कईयां दी आदत हुंदी है अल्लाह दा घर बोलो अल्लाह दा, जड़ा पहलो आए उंदा बैण दा हक भी, तो कई पहलो आ गए पिछे बैठे रहिंदे ने। हैं पहली साफ अंदर अल्लाह जगह नसीब फरमाए, और कयामत वाले दिन जदों सफा बनिया ने जनती लोगों दिया, अल्लाह तेनू मैनू पहली सफ विच जगह अता फरमाए। पहली सफ दा सवाब किन्ना है, जड़ा पहलो आए उंदा हक भी। ते उठाओ ना, कई अपने कपड़े ही सवारते रहिंदे ने या दूसरे नूं टोकते रहिंदे ने, सवाब जाया होण दा खदशा है। मैं बड़ी तुहानू नरमी नाल बात समझा रहा, अपना सवाब जाया ना करो। जुमे अंदर दूसरा बंदा जड़ा दुआ करदा है, उंदी नीयत नाले किन्ने खलूस नाले उन्हें दुआ की है, अगो उस परवरदिगार की मर्जी है, भावें कबूल कर लै तो भावें जखीरा करदा है। दुआवां कबूल कौन करदा है? तीसरा आदमी जुमा पढ़ने वाला कैसा नसीबा वाला है, आंदा खुतबा शुरू नहीं होया, बोलो खुतबा शुरू नहीं होया, वक्त है जुमे की नमाज के बारे सुनना। कईयां दी उम्र ही गुजर जाती है, उन्हां नूं जुमे दियां रकातां दा इलम नहीं। गुस्से वाली बात नहीं, बंदा कबर दियां दीवारां तक इलम हासिल करे तो कर सकदा। आ मेरी हुण गल सुनना, जुमे वाले दिन जोहर दियां चार सुनतां पढ़ी दियां, बोलो पढ़दे तो नहीं किरे, जोर दियां सुनतां कोई नहीं, क्योंकि जुमे की बरकत की वजह तो अगे जोर दे फर्ज़ पढ़ते हो, तो किन्ने रह गए बरकत नाल? दो। हाँ जड़ा पहलों आ गया है, दो वजू दे नवाफल अदा कर सकता है। टाइम होए दो पढ़े, चार पढ़े, छे पढ़े, अठ पढ़े, जिन्हें मर्जी नवाफल अदा कर सकता है, कोई उन्दे ते पाबंदी। लेकिन जोर दियाँ सुनता कोई नहीं, मसला याद रखना। और दो नवाफल वजू दे पढ़े तो दो किंदे पढ़े? तहियातुल मस्जिद दे। ए इन्ने जरूरी ने, अगर खुतबा शुरू भी हो जाए, खुतबा शुरू भी हो जाए, खतीब खुतबा शुरू कर दे, जिन्ना चिर दो रकत नहीं पढ़निया बहना, मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, कहो सुबहान अल्लाह। एक सहाबी आए, सहाबा तो सदके ते कुर्बान जाइए, मैं मिंबरे रसूल ते ऐलान करन लगा, सहाबा तो बगैर दीन समझ आ सकता ही नहीं। आ सहाबा नूं मंदा बोलन वाले अज दीन तो दूर क्यों ने? अपना मूँह काला करके सवाब समझते ने। वो जड़ा सहाबा का बागी है, सहाबा नूं चंगा नहीं समझता, अल्लाह सुल जलाल की कसम है उन्हूं दीन समझ आ सकता? ये सहाबी आया, नबी पाक की नज़र पै गई, ये बैठ गया। नबी पाक ने खड़े करके फरमाया दो रकत अदा करो, फिर बैठो, हल्कियाँ नहीं अदा कर लो। यानी दो रकत पढ़न तो बगैर बैठना, यानी वो दो रकत वुज़ू दियाँ ते दो तहियातुल, बोलो हज़रा किनिया हो गई हैं? उस तो इलावा अगर वक्त है जिनिया मर्जी पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं। फिर जुमे का खुतबा शुरू होंदे, तुआडे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद, जिन्हों जिन्ना नबी पाक नाल प्यार है उन्नी जोर दी दरूद पढ़े, जनाबे मुहम्मद। नबी पाक दी एक एक अदा पढ़िए ते अमल करिए ते अल्लाह जुल जलाल दी कसम इन्ना सुकून मिलता है, इन्ना सुकून मिलता है, इन्ना किसी चीज़ विच मिल सकता। आ दिल टुटा होए बुझिया होए नबी दी सुन्नत अमल तुसी कर लो, इत्मीनान कौन देगा? नबी पाक मस्जिद नबवी के अंदर, अल्लाह तुहानू मस्जिद नबवी की हाजरी नसीब फरमाए, जिथे एक जुमा पढ़िए तो हज़ार जुमे का सवाब मिलता है, एक नमाज पढ़िए एक हज़ार नमाज का सवाब मिलता है। सहाबी ने बयान किया है मिंबर कोई नहीं, तो नबी पाक खजूर के तने ना टेक ला के जुमा पढ़ाते सन, खजूर के तने ना टेक ला के जुमा पढ़ाते सन। एक सियाबी आता मेरी नज़र पई ना लाठी पकड़ना छड़ी पकड़ना किंदी सुन्नत है? नबी पाक दी किंदी सुन्नत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ये भी पकड़ गए त
ਤਣੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਤਬਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਤੀਬ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਦੀ ਧੀਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਾ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂ ਤਣੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਈਏ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ, ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਹੰਨਮ ਦਾ, ਜੰਨਤ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜੇ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ, ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਆ ਰਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚ ਕਿ ਇਮਾਨ ਵੇਖਣਾ? ਬੋਲੋ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਜੁਮੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਏ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੁਮੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਅਜਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਰੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰੇ ਚਾਵਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਲੂੰਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਖੁਦਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਮਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ। ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੱਦਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗੋਲ ਗਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਪੰਜ ਤਨ ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਡੰਡਾ। ਸ਼ਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਸਫ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਏ ਬੇੜੀਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਏ। ਮਸਲਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੁਨਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਦਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਅਲ ਉਲਾਮਾਉ ਵਿਰਾਸਤ ਅਲ ਅੰਬੀਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਥਾਲੀਆਂ ਥੂਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਰਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਸਦਕੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ, ਕਾਰੀ, ਹਾਫਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ। ਉਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਿਆਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਜਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਏ। ਆ ਜੁਮੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾਏ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਿਸਤਰ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੋ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਏਹਸਾਨ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੌਰਾਨ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ,
कह लगे तू हाले नौजवान है, तेनू मेरे मसलक का पता है, शाह जी दसो। तो शाह जी फरमान लगे दिना नू कंडिया ते टुलना ते रात नू सौना नहीं, मुसल्ले ते खड़े होना है। रात नू किंदे अगे खलोना, इबादत तन्हाई दी है, रियाकारी दी इबादत करदी है। बंदा कल्ला होए फिर अल्लाह नू याद करदा होए। ते नौजवान कह लगा शाह जी तुहां नवी गल ते कोणी दसी, एक गल ते मेरी अम्मी ने दस दित्ती सी, एक गल ते मेरी अम्मी ने दस दित्ती सी, तुहां नवी गल ते कोणी दसी। जन्नत एवें नहीं मिल जाती, इंदे वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। उलमाए हक नू बड़ा सबर करना पैंदा है। लोगों दी गड्डियां वेख के, गलत यतीम खाने झूठे बना के, मदारस दियां फटियां लगा के पैसे इकट्ठे करने वालों, कईयां दे अंदरों सरिया ते बजरी ते सीमट ही निकलना, अल्लाह बचाए। उन्हां दा ओही पूरा नहीं हुंदा। ऐ दिल नू अल्लाह बेकाबू ना करे, अल्लाह इहनू काबू विच रखे, अल्लाह इन सबर दी शुगर दी आदत पाए। आमीन। याद रखना। आइए हुण सुनना, तुहाडे ते मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद, गल बड़ी प्यारी सुनवाली है। आका ने खजूर दे तने नाल टेक लगाई है ते खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, एक कौन वाला सहाबी है, रूम दे रहन वाला, ओने वेख्या ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते मिंबर तैयार करके मस्जिद विच लै आंदा है। उन्दिया दो सीढ़ियां ने, मेरे आका साहब तो उपर होके खुतबा इरशाद फरमाते सन। मेरे आका ने तने की टेक छोड़ी एक जुमे ते मिंबर ते खलोते, ये तना इंज रोंदा जिमें बच्चा मां की जुदाई विच रोंदा है। जिंदे नाल नबी पाक टेक लैंदे रहने, वह तना किवें रोंदा जिमें बच्चा मां की, वह तने नूं इन्नी मुहब्बत होई। मेरे आका मिंबर तो थले उतरे, मेरे वल वेखना हदीस पाक अंदर, मेरे आका ने बाजू खोल के नो अपने बाजुआ विच ले लिया ते चुप हो गया। ए तना चुप होया, वो जड़ा नबी दे बाजुआ विच आ जाए, अल्लाह सुल जलाल दी कसम जे ओनू राहत मिलदी है ते अबू बकर दे बारे की ख्याल है। अबू बकर दे बारे की ख्याल है, जड़ा नबी पाक नू अपनी गोद विच पांदा है। ओए तना नबी पाक ने फरमाया अगर मैनू अपने बाजुआं विच ना लैंदा कयामत तक रोंदा रहिंदा। बाजुआं विच आउण दी वजह तो की हो गया, ओनू राहत मिली है। की मिली है? ते जड़ा अबू बकर सज्जे टुरदा है, खब्बे टुरदा है, अगे टुरदा है, पिछे टुरदा है, मुसल्ले ते खलोंदा है, अज कबर भी नाल बनी है। कबर भी किन्ना को बुरा समझेगा, आज भी जन्नत में सुते है, कल कयामत वाले दिन जिथे कोठी नबी पाक दी होएगी नाल अबू बकर। मेरे आका मिंबर ते खुतबा इरशाद फरमान दे, आप दा खुतबा और दरमियान में आप बैठ के दूसरा खुतबा दें दे, तरीकाकार बतला रहे हैं। और नबी पाक खड़े ने, आओ सुनो अहले बैत नाल किंदी मुहब्बत है। नबी बा खुतबा दे रहे ने हसन ते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सुरख जोड़े पाए ने, जोड़े जरा लंबे ने, चल रहे ने ते ठेडे लग रहे ने। नबी बा मिंबर तो उतरे, दोहां नूं चुक के लै आउंदे ने। नबी पाक, मैं नबी पाक दियां अदावां दसदा जावां खुतबे दे दौरान। मेरे आका खलोते ने, काया बैठा सोहणिया मैनूं दीन समझाओ। मेरे आका मिंबर तो नीचे उतरे, इहनूं दीन दियां बातां समझाईयां ने, फिर वापस मिंबर ते आए ने। सुभान अल्लाह, ये हदीस पाक अंदर मौजूद ने। मेरे आका मिंबर ते खड़े ने, गर्मी दा मौसम है, जानवर प्यासे हो गए ने, रस्ते जल रहे ने, सड़ रहे ने गर्मी की वजह तो, ये सहाबी अंदर दाखल होया। सोहणिया महबूबा दुआ करो, की करो? असि इतने किसी लिए दुआ कर दी, और मगर तुम दुआव ही करते रहते हो। नबी पाक का तरीका, नबी दे सहाबा का दुआ करवानी चाहिए कि नहीं? बोलो, तुम आमीन वारी भी कंजूसी करते हो, ताे साढ़े काम नहीं सौरते। अल्लाह हसद तो बचाए, बुगस तो बचाए। यह आंदा सोने महबूबा बड़ी गर्मी है,
प्यासे हो गए हैं, प्यासे जानवर फसलात प्यासियां ने, मेरे आका ने हाथ झुके ने, नबी पाक ने दुआ की थी, इस आबियां दा बाहर निकले आ, बदल दा पहलो नामो निशान कोई नहीं। जदों नबी पाक ने दुआ फरमा दी है, कालियां घटा छा पईआं ने ते वस पईआं ने, कालियां घटा छा गई ने ते वस पईआं ने। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, मुसलसल अगले जुमे तक बारिश होंदी रही है। जड़े रस्ते पहलों खुशक सन, हुण तार हो गए ने, पानी हो गया। अगला जुमा है, मेरे आका मिंबर पाक दे खड़े ने, एहो ही सहाबी दोबारा उस दरवाजे विचों आंदा, सोनिया हुण पानी बड़ा हो गया है, रस्ते खराब हो गए ने, मवैशी जड़े ने उन्हां तो पानी वाधू हो गया। मेरे आका ने जदुआ फरमाई, अल्लाह इन्हां बदलां नूं उथे ले जा जिथे इन्हां दी जरूरत है। मेरे आका उंगलियां फेरदे जांदे ने ते बदल पिछे हटदे जांदे ने। वा मार मई ता इज़र मई ता वा लाकिन अल्लाह रमा। नसीबा वाले ने जड़े नबी पाक दे मौजज़ात वेंदे रहे, सुभान अल्लाह। आइए हुण सुनना ते आन लल, मेरे आका खुतबा इरशाद फरमांदे विच बह जांदे, फिर दूसरा खुतबा इरशाद फरमांदे, फिर मेरे आका मुसल्ले ते आउंदे, किन्नियां नमाज़ दियां रकातां पढ़ांदे, किन्नियां ईद उल फितर दियां किन्नियां रकातां ने, ईद उल अज़हा दियां ते जुमे दियाँ, फर्ज फर्ज की गल कर रहे हैं, जुमे दियाँ ते मुसाफर दियाँ किनियाँ। इतने मैं दो पढ़ाव हाफज जी की करते ने, कई एडे अहमकड़े उम्र लंघ गई पता कोई नहीं, इतराज मेरे ते कर दे, नबी दी हदीस ते कर दे, किनियाँ पढ़ावे मुसाफर, ते जड़ा इमाम नू अखा टडे किनू टडदा पे, नबी दी हदीस नू। अल्लाह हदायत नसीब फरमा, अपनी सलाह करो, अपनी जज्बात मत दिखाओ, नहीं मसले का पता जरूर पूछो। अल्लाह फितने से बचाए, सब तो बदतरीन बंदा जो फितना दीन विच पैदा करता है, जरा दीन विच बोलो। हाँ हूँ मैं तो आख्या जुमा अज तुहाडा रेतमल वजना है, अल्लाह साढ़े दिल नरम फरमाए, नबी दी हदीस आ जाए फिर तकरार दी गुंजैश। ऐवे ताबेदारी, नबी पाक खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, आ फरमाते ने बैठ जाओ, की कह रहे ने, अब्दुल्ला बिन मसूद फिर कहो जुतियां वाली जगह ते बह गए ने। मेरे आका फरमाते ने, अब्दुल्ला मैं तेनू ते नहीं आखिया। अब्दुल्ला बिन मसूद दा जवाब सुनना ते अपनी इसलाह फरमाना, सोनिया महबूबा जदों तुहाडी आवाज मेरे कन्ना विच पई है, कदम चुकन दी जुरत। इहनू आंदे ने ताबेदारी, ऐवें जन्नत नहीं मिल जाती। अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं पूछा, सोनिया मैनू आख्या जे, इहनू आख्या जे, फलाने नू आख्या। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला मैं तेनू ताबेदारी की गल सुना वा, काले रंग दे माड़ा जे सोनिया मैं निकाह करने। फरमाया फलाने कर जाओ, मेरा सलाम कहना, उन्होंने कहना अपनी बेटी का निकाह मेरे नाल कर दे। अज वेखो क्यों आते जो रिश्तिया तो परेशान, तुहाड़ियां डिमांडा बड़िया ने, प्लाट गड्डी कारोबार, उन्हां दी डिमांड दीन हुंदा सी, की हुंदा सी, दीन हुंदा सी। तुसी अज दीन नू छोड़िया, रिश्ते कित्थों लभणे ने। मैं किन्ने किन्ने रोज़ फोन सुनना, आ मसला होया जी, लड़ाई हो गई है, तलाकां हो रही ने, फलां कुछ हो रहा, दुआ उत्थे की करे, जो तुसी दीन नू फड़ोगे दुआ भी तो सर उदों ही करना है ना, आपना आपनू भी ठीक कर लईए। ओए मंजी होए बैड दे मुकाबले विच, लेकिन पल्ले दीन होए, अस्सलातु खैरुम, मंजी तो उठ के मस्जिद वल जांदा होए, तो एक जवाई रात को शराब पी के सुता होए, एसी चलता होए, बैड विच होए, बड़ा महल होए, अजान की आवाज भी अंदर ना जाए, ये चंगा तो मंजी वाला चंगा है। बोलो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दीन का सुकून वेखना, सुबह फजर की नमाज वेले वेखो,
ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਕਦਮ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹੁਮਮਾ ਫਤਹਲੀ ਅਬਵਾਬਾ ਵਰਹਮਤਿਕ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨੇ, ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਗੋ ਦੀਨਦਾਰ ਬੋਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਇੰਜ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਖੇਲ ਲਓ, ਆ ਬਾਵੇ ਕਾਰਟੂਨ ਖੇਲ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਰਾ ਨੱਚ ਕੇ, ਉਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਦਰਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਮਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪ ਵੇਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਸਨ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਏ, ਅਦਰਾ ਨੱਚ ਕੇ ਵਹਾਈ, ਆਹ ਗੇਮ ਖੇਲ ਕੇ ਵਹਾਈ, ਇਹ ਗਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵਹਾਈ, ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਔਲਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨੇਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰਾਨਾ ਵਹਾਵਾਂ, ਦੁਆ ਗੋਈਆਂ, ਜਾਓ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਿਕਾਮਤ ਦੀਨ 'ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਸਾ ਸੁਬੈਅਲ ਇਕਰਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਬਰਕਾਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਠੰਡੀ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਜੇ ਕੌਸਰ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਦੀਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਈਏ ਸੁਣਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ। ਆਪਣੀ ਆੜ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆੜ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਆ ਮਸਲਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਜੋ ਹਦੀਸ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁੱਛ ਲੈ, ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾਦ ਬਰਪਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਚੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੇ ਕੈਂਕਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਫਸਾਦ ਕਰੀਦਾ, ਝਗੜਾ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਹਕੂ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੁੰਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਅਗਰ ਚਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਰਕਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ? ਦੋ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੋਟਲ? ਦਸ। ਇਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਹਤਿਆਤੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੁਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ,
पता नहीं कितों इस्तलाह करते हैं। हूँ आवाज़ की आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पिंड वखरा तो शहर वखरा कर दिया, आमनू पिंड वखरा कर दीए तो शहर, भी पिंड वाले ना पढ़न तो शहर वाले पढ़न। कितों अल्लाह इन्ना मौलवियों को जान छड़ा है, अल्लाह तुहानू एहो जिहे मौलवियों को, सारिया को नहीं, एहो जिहे मौलवी जिहड़े दीन दे तर्जमे गलत करते हैं। आमनू के अंदर पिंड वाले दाखिल नहीं, वो गल समझ आ रही है कि नहीं, फिर दसो आ रही है कि नहीं तो मैं तुम्हें दूजे तरीके समझावा। आमनू के अंदर पिंड दाखिल है कि नहीं, उत्थे ईमान वाले नहीं, शहर वाले नहीं, वो आंदे जी शहर वाले जुमा पढ़न, पिंड वाले कोई लोड़ नहीं, और जिथे दो भी होन भी एक दूजे दीन की गल सुना के जुमा पढ़ सकते हैं, कोई तकसीस तफरीक नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आ जड़े सारे आए हो अल्लाह ईमान वाला बनाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। नमाज़े जुमा भी तुहानू दस्या, तरीका भी दस्या, नमाज भी दसी है, और जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन एक होर मसला भी सुन लेना, इस तरीके ना जुमा अदा कर दे, कमा हको उन्दे फराए सर अंजाम दें दे, अल्लाह दसा दिन दे सगीरा गुनाह मुआफ कर दें दे ने। किन्ने दिन दे तुहाडे ते अल्लाह दी किड्डी रहमत है। अब वेखना हुण सुबह फजर की नमाज पढ़ी है ना, आवाज बड़ी थोड़ी हुई है, सारे ने जमात ना पढ़ी है, है इधरों ही इंशाला होंगी भी, इधर बड़ी होंगी भी। और सुबह फजर की नमाज जमात ना पढ़ी है, जमात पढ़ी है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सुबह फजर की नमाज जड़ा बा जमात पढ़ता है, फिर अगली नमाज केड़ी है, केड़ी नमाज, उस तो अगे, उस तो अगे, उस तो अगे, किनिया नमाजा ने, ये पांच नमाजा बाद जमात पढ़ते, जो सुबह दी पढ़ते तो जोर के दरम्यान जिन्ने गुनाह छोटे होंगे ना, अल्लाह कबीरा गुनाहों को बचाए, जो तुसी दूजी नमाज पढ़ते हो गुनाह अल्लाह मुआफ़ करता है। वेखो हाँ, पांच नमाजा गुनाहों के मुआफ़ी का सबब बने ने कि नहीं। फिर अगे आइए जुमे तो जुमा, जुमे तो जड़ा तीन जुमे लगातार नहीं पढ़ता मुनाफी के दिल ते मोर लग जाती है, दिल ते बरकत उठ जाया ने, मुनाफक बन जाता है। बिला उजर जुमा छड़ना चाहिए, बालग होए, सेहतमंद होए, आकल होए, उन्दे ते जुमा फर्ज है। जुमा बच्चे औरतां, बच्चे औरतां, इत्थे ते माशाल्लाह बच्चे ने, अल्लाह बच्चों का भी आना कबूल फरमाए, ये नाम ही पढ़न ते गुजारा हो जाता है। और जेड़ी औरत अपने खामत को इजाजत मंग के जुमा पढ़ने वास्ते आना चाहे, रोकना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, वह भी बड़ी बेहतर ते अफजल है। लेकिन तेज खुशबू लगा के ना आए, ऐसा लिबास ना पहने जिंदी वजह तो जिसम की नुमाइश होए, बापरदा आँदी है, सवाब की नीयत ना लाँदी है, अल्लाह पाक उन्हें भी दसा दिन के गुनाह मुआफ कर देंगे ने। इतना बरकत वाला अमल है। तो कोई सिहाबी भी जुमा छड़दा तो अज वेखी है जुमे टाइम। पहले नंबर हुण गल हो गई, घड़ी ने भी बड़ी दौड़ लई है, कर लेना इहदा भी इलाज। सुनो हुण ध्यान नाल, जिहड़ा खुतबा शुरू होने तो पहला सब तो मस्जिद विच आउंदा ऊंठ की कुरबानी का, बाद विच आया तो फिर गाय की कुरबानी का, फिर उस तो तीसरे नंबर पर आया मैंडा सिबा करन कुरबानी का, सवाब है। जड़ा उस तो पिछे आया मुर्गी सदका करन दा सवाब है, जड़ा उस तो पिछे आया वो की रह गया, वो की रह गया, उची बोलो की रह गया, आंडा ही है। तो जड़ा आंडे तो पिछे आया वो की रह गया, रजिस्टर बंद हो गया, खती मिंबर ते आ गया, हुण भावें आवे तो भावें उहदी मर्जी है ना। तो हुण हिसाब लाइए किन्ने कु आंडे बैठे ने, किन्ने कु कुकड़ियां मुर्गियां बैठियां ने, किन्ने कु मेंढे बैठे। यार अपने आप नूं आओ, भी वक्त भी तुहाडे कोल हुंदा है, पता नहीं कित्थे रहिंदे हो, तैयारी करके आओ, कल कयामत वाले दिन जन्नत च नहीं जाना, बोलो हूरा लैनिया जे ना है कि मैं तो कारी साहब दे हिस्से सारा कुछ आ जाना जे ध्यान नाल। इधर वेखना जुमे वाले दिन, कयामत वाले दिन
जुमा अल्लाह पाक असली हालत विच लियाउणगे, जुमा पढ़ने वाले पहचान लैणगे। आखो इंशाल्लाह जुमे वाले दिन नूं पहचान लैणगे, खुशबू बड़ी होएगी, इहदे इर्द गिर्द इंज जमा होणगे इस दिन दे इर्द गिर्द जिवें दुल्हन दे दुआले सहेलियां इकट्ठियां हुंदियां ने। जुमा टुरदा जाएगा, जन्नत विच लैके जाएगा। आखो इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक उतरनगे, अपनी ज़ियारत करवाणगे जड़े जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह अपनी दिल करता जे अल्लाह नूं वेखण दे, बड़ी वड्डी गल, अल्लाह दा चेहरा नजर आएगा, अल्लाह अपने चेहरे की ज़ियारत कराणगे। और जिस परवरदिगार ने एडे एडे सोने पैगंबर पैदा किए ने, जिस पे अल्लाह पाक ने एडिया एडिया सोनिया वादिया बनाईया ने, एडे एडे खूबसूरत हाए दरिया समंदर चलाए ने, वो अल्लाह किड्डा खूबसूरत होएगा। अल्लाह मेरी दिली दुआ है अल्लाह अपनी ज़ियारत नसीब फरमाए। जदों वेख के सारा कुछ ही भुल जाना, अल्लाह किड्डे सोने होणगे। ਲਈ ਸਕ ਮਿਸਲ ਹੀ ਸ਼ਈ ਹੁਣ, ਜਿੰਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਏਡੇ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕ ਅੱਖਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰਮਾਏ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨਤੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਸ਼ਰੂਬ ਪਿਆਣਗੇ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਹੈਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਰੇ ਹੂਰਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੁਮਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਓ ਕਰੋਗੇ? ਆਓ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ। ان اللہ و ملائکتہ، پھر ذرا سبحان اللہ کہواں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੇਜਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਈ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੋ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਅਯੂਹਨ ਨਬੀ ਵਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਨਾ ਵਅਲਾ ਇਬਾਦਿਲਾਹ ਸਵਾਲਿਹਿ। ਆਈਏ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਦਰੂਦ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ। ਇਹ ਜਨਮਨ ਦਰੂਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ। ਲੱਖੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰੂਦ ਜਨਮਨ ਉਬਈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂ, ਜਲਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏ, ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਦਰੂਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਰੰਜ ਗਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
अल्लाह तेरिया जरूरतां पूरियां करेगा। अज करोना दूर करना तो की पढ़ो, अज जुमे का नुस्खा ले जाओ। हुक्मरान भी, फौजी अफसरान भी, सिक्योरिटी अदारे वाले भी दरूद पढ़ना शुरू कर दें, जेन्युइन दरूद ए इब्राहिम। इंशाल्लाह ना मास्क की जरूरत रहेगी, ना छे छे फुट के फासले की जरूरत रहेगी। दरूद तुसी पढ़ोगे, रहमता कौन करेगा? फिर करोना रहेगा? जिंदा ईमान बोले, जिंदा नहीं बेशक ना बोले। अम्मा जी फातिमा तो ज़हरा, फिर कहो जड़ा मां नूं मंदा रज़ी अल्लाह ताला, सईदा फातिमा तो ज़हरा। मैं तुहाडे को तीन दफा अखवाण है रज़ी अल्लाह ताला नहा, सईदा फातिमा तो ज़हरा, सईदा फातिमा तो ज़हरा, सईदा फातिमा तो ज़हरा। आलमा फाजला आपदा ज़हदा, जनती बेटिया की वालदा फातिमा तो ज़हरा, अली दी सौजा मोहतरमा फातिमा तो ज़हरा, नबी पाक दी प्यारी बेटी फातिमा तो ज़हरा, सैयदुल निसाए अहले जन्ना सैयदुल फातिमा तो ज़हरा। हदीस नकल कर दिया ने कि नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने दुआ दुआ सिखाई जब मस्जिद में दाखिल होवो, बिस्मिल्लाही वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। किथे दाखिल होवो? फिर बोलो, करोना हो तो मस्जिद च बढ़ना, भज जो नठ जो, कम अकल लोग ने केड़े ने, ऐ मिंबर आजाद है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आखो। इस्लामी पहलो लफज केड़ा आया? जड़ा इस्लाम तो डकेगा उन्हों फिर असी दूजे तरीके किवे जुबान नहीं डकेंगे, ना मुड़ेगा तो फिर इंशाल्लाह हाथ चुकना प्याते, इंशाल्लाह इस्लाम ते आँच आन देवांगे। जदों तुसी सारे पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, तो फिर इस्लाम तो क्यों डकदे हो? इस्लाम ने आखिया, इस्लाम ने हकूक, इस्लाम ने बयान किए ने, इस्लाम की आवाज अल्लाहु अकबर अगे आया, अल्फाज आए इधर आओ, कामयाबी वाल फला ते तो दसो बीमारी मिल सकती? अल्लाह दे घर आबाद रखोगे? अल्लाह दे घर आबाद रखोगे? कोरोना कोलो बचना ते शराब छड्डो, की छड्डो? जुआ छड्डो, जना छड्डो, बेहयाई छड्डो, गाने छड्डो, कवालियां छड्डो, बदकारिया छड्डो, किसे ते जुल्म करना बंद करो, फहाशी बंद करो। कोरोना कोलो बचना चाहते हो, अपने आप नू साफ रखो, वुजू करो, तहारत इख्तियार करो, गुसल करो, अपना लिबास साफ रखो, मिसवाक करो, नमाजा पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो। ओए करोना कोलो बचना चाहते हो, दरूद पढ़ना तुहाडा काम है, रहमता नाजल करनिया किंदा काम है? इंशाल्लाह नठेगा कि नहीं? बोलो, ईमान है ना? अल्लाह मौत भी आए तो मस्जिद में आए, नमाज पढ़ते हैं आए, आ तुहाडियां दुआवां दी बरकत इसराइल घुटने टेक गया, इंशाल्लाह फलस्तीन हाय आजाद होएगा, बैतुल मुकद्दस आजाद होएगी, इंशाल्लाह वक्त आएगा फलस्तीन दे अंदर, हाय खुद उस मस्जिद अंदर बैतुल मुकद्दस के अंदर आवाज गूंजेगी अल्लाहु अकबर। आखो इंशाल्लाह आजादी नाल, आजादी नाल, आजादी नाल नमाजा पढ़िया जाएगियाँ। आखो आखो तुहाड़िया दुआवां इंशाल्लाह रहेगा नहीं, जुमे की बरकत है, अल्लाह फलस्तीन आजाद फरमाए, बैतुल मुकद्दस नू अल्लाह आजाद फरमा, जिन्ना दे बच्चे चले गए ने, जिन्ना दे लखते जिगर चले गए ने, जिन्ना दे मापे चले गए ने, इस्लाम दी खातर अल्लाह कुर्बानियां कबूल फरमा। आमीन। ठंडी गई है तुसा? इंशाल्लाह मुकाबला आएगा, हाय वक्त आएगा मुकाबले दे अंदर, ऐ सीने दे अंदर जिहाद दी मुहब्बत है, इस्लाम दी मुहब्बत है, मुसलमाना दे दर्द दी मुहब्बत है, मकबूजा कश्मीर इंशाल्लाह आजाद होएगा। आखो इंशाल्लाह अमरीकी कुवतां और यहूदी कुवतां नसारा कुवतां इंशाल्लाह निस्तो नबूद होनगियां। आखो इंशाल्लाह अल्लाह फलस्तीन आजाद फरमा, अल्लाह फलस्तीन आजाद फरमा,
अल्लाह उथे दे मजलूम मुसलमानों नू आजादी नसीब फरमा। अपने हाथ अल्लाह वल करो, तुसी हाथ भी नहीं उठा सकते जिन्हां दे घर मिसमार होए ने, जिन्हां दे बच्चे चले गए ने, या जिन्हां दीआं औरतां दी हया दी चादर तार तार कर दी गई है। मेरा दिल खून दे आंसू रो रहा है और मैं तुहाडे कोलो दुआ करवाना चाहना, अल्लाह यहूद नसारा नू निस्सो नाबूद फरमाए। जड़ा इसराइल दा हमैती है, जाहरी तौर पर होए बातनी तौर पर होए, जड़ा उन्हों इमदाद कर रहा मुसलमाना दे खिलाफ, अल्लाह पाक उन्होंने बर्बाद फरमाए। ते जड़े फलस्तीन की मदद कर रहे हैं माली लिहाज नाल, दुआवां दे लिहाज नाल, जानी लिहाज नाल, माली लिहाज नाल, अल्लाह पाक उन्हों की ये मदद करनी कबूल फरमाए। मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तुहाड़ी मदद कदों आएगी। अल्लाह उन्हां मजलूमां दी मदद फरमाओ, अल्लाह पाक उन्हां नूं आजादी नसीब फरमाओ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान सफे अव्वल ते अगे वे, ना इसराइल नूं तस्लीम करदा है ना तस्लीम करेगा। आखो इंशाल्लाह, हाथ चौके आखो, पाकिस्तान तस्लीम करेगा भावे सारे कर जान, हाथ उत्ते ही रखे आजे, हाथ उत्ते ही रखे आजे, सारा अरब ममालक ओनू तस्लीम कर लेन। नहीं करांगे असी तस्लीम, बोलो, इसराइल नू नहीं करांगे, यहूदिया नू नहीं करांगे। जिथे यहूदी नजर आएगा ओंदा सार फिर ओंदे ताए जिसम ते नजर आएगा, नहीं आएगा इंशाल्लाह। इस्लाम अमन का गहवार है, लेकिन गैरत का मसला आए, इस्लाम की अहमियत का मसला आए, इस्लाम के दिफा का मसला आए, ना असी अपने बच्चे वेखांगे, ना अपना माल वेखांगे, ना अपनी जान वेखांगे। इस्लाम वास्ते सब कुछ साडा, जिंदा दिल मनदा बोले, जिंदा दिल नहीं मनदा ना बोले, गवाही अल्लाह दे कोले, जिंदा दिल करदा जरूर बोले। इस्लाम वास्ते सब कुछ, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अर रहमान, अल्लाह पाक दी रहमत और तौफीक दे नाल मस्जिद अजान वुजू उन्दे मसाइल दे बारे इंशाअल्लाह अर रहमान बयान करांगा। आ भी आना दो सहबाब नूं भी लैके आना। अल्लाह तुहानू जुमे वाले दिन दियां बरकात समेटन दी तौफीक नसीब फरमाए।